तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आरसीबी अपनी फॉर्म में अब वापस आ गई है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस में जश्न का माहौल है। एक बहुत बड़ा फैन बेस ऐसा है जो कि उदास बैठा है, सदमे में चला गया है, अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है। ये सब कैसे हुआ, किसने किया, कहां पर हुआ, सब कुछ बताएंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक ब्लॉग। आप देख रहे हैं दिग्विजय चौहान फेसबुक पर और यूट्यूब पर। वीडियो को शुरू करते हैं। आज रिव्यू करेंगे आरसीबी वर्सेस केकेआर के मुकाबले का और आखिर में देखेंगे कुछ फनी मीम्स जिनको देखकर आपको मजे आ जाएंगे। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और कमेंट कीजिए, बताइए कि आरसीबी की हार आपको कैसे लगी। अरे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई साहब ये आईपीएल के मैच में केकेआर और आरसीबी के मैच में नीरज चोपड़ा कहां से आ गया। तो इस मैच में एक पल ऐसा था जब आरसीबी के फैंस काफी उछल कूद मचा रहे थे। कोलकाता में कोलकाता पर जीत के जश्न की तैयारियां चल रही थी। आंद्रे रसल को पहली बॉल पर आउट करने का घमंड जताया जा रहा था, लेकिन मैदान पर तभी एंट्री होती है 1-7-2-2 लॉर्ड्स की, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और लॉर्ड रिंकू सिंह। आरसीबी के फैंस ठीक वैसे ही रिलेट करें जैसा आप एग्जाम दे रहे हैं और आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन शार्दुल ठाकुर और लॉर्ड रिंकू सिंह थे। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पहले से शुरू करते हैं। तो ईडन गार्डन पर टॉस जीता आरसीबी ने और पहले ले ली फील्डिंग। ये फैसला बिल्कुल ठीक जा रहा था, शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे कि आरसीबी को चाहिए था। वेंकटेश अय्यर, भाई इस आदमी ने पिछले सीजन ऐसा खेला था जिसकी वजह से सबने कहा था कि ये तो हार्दिक पांड्या का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। इसी वजह से इंडिया भी खेल गया भाई, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। वेंकटेश अय्यर कहां रहते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। गजब बेइज्जती है। ऊपर से आंद्रे रसल को भी पहली बॉल पर आउट कर दिया। डेविड विली ऑन ए हैट्रिक था लेकिन हैट्रिक नहीं ले पाया। दो विकेट जब लगातार गिरे तो फिर लगा कि केकेआर नहीं है तैयार और आरसीबी कर देगी पलटवार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 12 ओवर में 89 रन्स और 5 विकेट्स। इसके बाद किंग खान की लाज बचाने को मैदान पर उतरते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और लॉर्ड रिंकू सिंह। शार्दुल ठाकुर ने आरसीबी के बॉलरों की ऐसी फेंटी लगाई कि क्या कहे, कैसी फेंटी लगाई, बहुत मारा। मतलब कौन कहता है कि शार्दुल ठाकुर सिर्फ और सिर्फ एक बॉलर है। 20 बॉलों पर 50, फास्टेस्ट 50 2023 के इस सीजन की, जॉइंट फास्टेस्ट 50 मारा दिया भाई ने। बाय द वे कमेंट करके आप ये बताएं कि शार्दुल ठाकुर आपको बैट्समैन अच्छा लगता है या फिर बॉलर अच्छा लगता है या फिर दोनों अच्छा लगता है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आरसीबी को टारगेट मिला 205 रन का। 4 ओवर तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लग रहा था कि दो लॉर्ड की बैटिंग देखने के बाद अब दो लेजेंड्स की बैटिंग देखने को मिलेगी। विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। 4 ओवर तक सब कुछ ठीक था लेकिन 4 ओवर के बाद अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, अरमान बदल गए, क्योंकि तभी एंट्री होती है हमेशा गुस्से में रहने वाले, चेहरे से मुस्कान को गायब रखने वाले लेजेंड सुनील नारायण की, और विराट कोहली हो जाते हैं बोल्ड। अगले ही ओवर में फाफ डुप्लेसिस भी आउट हो जाते हैं। मूड खराब कर लिया। बस आरसीबी को अगर निपटाना है तो बस यही करना होता है, शुरुआत के दोनों ओपनर्स फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली को आउट करना होता है, बाकी के विकेट खुद ब खुद ही मिल जाते हैं। इसके बाद सुनील नारायण और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आपस में विकेटों को शेयर किया। एक तो रख, एक मैं रख लेता हूं। तभी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में केकेआर लेकर के आई नीरज चोपड़ा। नहीं, ये नीरज चोपड़ा नहीं है। इस बंदे का नाम है सुयश शर्मा। ये इंडिया के यंग बॉलर हैं और नीरज चोपड़ा की तरह हूबहू दिखते हैं। पूरे मैच में सबको यही टेंशन थी कि भाई ये नीरज चोपड़ा कहां से आया। खैर बाद में तो आरसीबी के फैंस इस बात को लेकर के ही खुश हो रहे थे कि कम से कम हम 100 रन के ऊपर तो चले गए हैं। इस तरह से 1-2-3 यानी कि 123 रन पर आरसीबी ऑल आउट और केकेआर ने मैच जीत लिया 81 रन से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आरसीबी का इतना बड़ा कोलैप्स हो और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ना आए, ये हो नहीं सकता है। तो चलिए अब देखते हैं मीम्स रिव्यू, एक से बढ़कर एक फनी मजेदार मीम्स, और कमेंट करके बताइए आपको सबसे अच्छा कौन सा वाला लगा। ये भी लॉर्ड है, लॉर्ड पुलिस स्टार। जोड़ लो मेरे आगे हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा कि तुम्हें सारा झूठ ही झूठ। नेक्स्ट, शाहरुख खान टू शार्दुल ठाकुर। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। ओके नेक्स्ट, आरसीबी बैट्समैन।
आरसीबी के बैट्समैन आए और ऐसे ही आरसीबी के बैट्समैन गए। आरसीबी फैंस वॉचिंग ये तो सही बता, चार ओवर तक सब ठीक चल रहा था, चार ओवर के बाद आरसीबी के फैंस ने ऐसे ही पक्का पूरे मैच को देखा होगा, कम से कम 100 रन तक तो देखा ही होगा। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर एंटरिंग ड्रेसिंग रूम आफ्टर प्लेइंग 68/29 एट ईडन गार्डन्स। यही माहौल रहा होगा ड्रेसिंग रूम में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का। दो तीन लाख रुपए महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता है हरामखोर। फैंस सपोर्टिंग आरसीबी एवरी ईयर। क्या है ना दोस्त, कुछ रिश्तों में लॉजिक नहीं होता। आरसीबी के फैंस भी ये बात तो है भाई साहब, लॉजिक नहीं ढूंढते कुछ रिश्तों में ना। Once again, RCB returned to their original form just after one match. फिर से देखो यार इसे। ये भी बढ़िया था। KKR bowlers to RCB batsmen at Eden Garden. यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाए यहाँ से। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। Me after arguing with RCB fans. क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं, इनके दुख में शामिल। हंसेगा। बैटिंग बॉलिंग लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, वाह क्या दर्द है रे तेरी आवाज में छोरे, टू आरसीबी फैंस। बहुत दर्द छलका होगा कल आरसीबी के फैंस का। मी टू मी एंड माई फ्रेंड्स हु आर आरसीबी फैंस हु ट्रोल्ड एमआई फैंस आफ्टर फर्स्ट मैच। क्या हुआ मित्र, बहुत पीड़ा हो रही है एवरी आरसीबी फैंस राइट नाउ। अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है। तो ये थे कुछ फनी मीम्स जो हमने देखे, अब अंडरग्राउंड होने का टाइम हमारा भी आ गया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आरसीबी का यहां से कमबैक करेगी नहीं करेगी। मेरे हिसाब से तो इस बार नहीं जीते तो फिर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार बहुत बढ़िया टीम है। तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही।